ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में हुआ टाइटंस का अटैक। उन्होंने बोला है अगर उनकी इच्छा पूरी करी नहीं जाएगी तो वो पूरा लॉस सैंटोस तबाह कर देंगे, और जो भी उनकी इच्छा पूरी करेगा उसको बहुत बड़ा प्राइस मिलने वाला है। जितने भी लोग अभी तक गए थे उनमें से कोई भी लोग वापस नहीं आया है। ब्रेकिंग न्यूज। अबे भाई ये टाइटन कहाँ से आ गए? अबे ये तो बहुत ही बड़े, ये तो किधर पानी में कहाँ है? अरे वो दिख गया मुझे, अरे वो कितना ज्यादा बड़ा है गाइस। वो देखते हो सामने मुझे टाइटन दिख चुका है, वो तो उस पहाड़ इतना बड़ा है। चलो फटाफट से उसके पास चलते हैं, देखते हैं भाई क्या इच्छा है उनकी और वो क्या प्राइस दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सामने देख सकते हो वो दिख रहा है मैं टाइटन। यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े और यहाँ पे बोट्स भी खड़ी, वो टाइटन कितना ज्यादा बड़ा है। अरे यहाँ पे चल क्या रहे? अरे क्या तुम्हें भी प्राइस चाहिए? अरे हाँ प्राइस तो मुझे चाहिए। तो जाओ उस टाइटन के पास, उनकी इच्छा पूरी करो। अरे बेटा मत जाना, तुम वापस नहीं आ पाओगे, बहुत सारे जने चले गए, कोई वापस नहीं आया। अरे मैं डरता नहीं किसी से। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ उस टाइटन के पास, देखते हैं यार क्या होता है। फटाफट से इस बोट में बैठते, कितना ज्यादा बड़ा है ये। उन सब ने मेरे को मना किया जाने के लिए, पर मैं फिर भी जाऊंगा क्योंकि मुझे वो प्राइस चाहिए और ये टाइटन को भी तो देखना है। और गाइस आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा है, वो देखो सामने सूरज के वहां पे खड़ा है ये तो। फ्रैंकलिन क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं को सभी का नाम पता है। क्या तुम करना चाहते हो मेरी मदद? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो अभी के अभी तुम्हें पानी में डिबो के मार दूंगा। अरे क्या ऐसे तो ना होता है, मैं तो ऐसे मजे में देखने आ गया था। नहीं बच्चे अब तुम आ गए हो। अरे मैं तो ऊपर कैसे आ गया? अरे क्या चल रहा है? अगर मेरी मदद के लिए तुम हाँ बोलोगे तो तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी, और ना बोलोगे तो पानी में डिबो दूंगा। जल्दी बताओ। मैं क्या करूँ? हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया, तो मुझे बनना है 3-हेड टाइटन, और मुझे चाहिए उसके लिए कुछ सामान, और वो तुम ला के दोगे। हाँ बताओ, मैं दुकान से ला दूंगा। बच्चे वो सामान दुकान से नहीं मिलेगा, तुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये ले। अरे ये क्या, इतनी बड़ी पर्ची, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ये सब चाहिए मेरे को, जल्दी से ला तभी मैं बन पाऊंगा 3-हेड टाइटन। इसमें फर्स्ट का लिखा हुआ है गेट मैजिकल एग्स फ्रॉम गॉड टाइटन सैंड। अबे उस सैंड टाइटन से मैं कैसे लेके आऊंगा? वो मुझे नहीं पता, जल्दी ला के दे वरना मैं तुझे डिबो के मार दूंगा। अरे यार जा रहा हूँ। तो गाइस मुझे जाना पड़ेगा, फटाफट से यहाँ से पानी के अंदर अपन कूद जाते हैं और चलते उस सैंड टाइटन से मैजिकल एग लाते हैं। और एक गाइस जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये तो आराम से यहाँ पे सो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी एग लेने पड़ेंगे, जब तक ये उठता नहीं तब तक मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगा। तो एक एग मुझे मिलने वाला है इसके मुंह के अंदर और एक एग मिलने वाला है इसके दिल के अंदर, तो मुझे दोनों एग को निकालना है। तो पहले मैं जाने वाला हूँ सीधा इसके मुंह के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है मुंह वाला थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो वो पहले मैं कर लेता हूँ। फटाफट से यहाँ पे अपन चलते और इसके मुंह में, अरे ये क्या, मैं तो सीधे दांतों में से निकल गया बीच में से। अरे बचाओ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? अरे आ गया, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसका मुंह कितना गंदा, इतनी बदबू आ रही है। अरे गाइस लगता है मुझे वो अंडा मिल गया, ये देख सकते हो इस धुएं के बीच में वो अंडा पड़ा है, और हाँ ये वही अंडा है। तो गाइस इसको मेरे को लेके जाना है, तो मुझे एक अंडा तो मिल गया, अभी हमें उसके दिल के अंदर भी जाना है। पहले इस अंडे को ऐसे उठा लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भूकंप आ रहा है, लगता है भूकंप आ रहा है। अरे नहीं ये टाइटन तो खड़ा हो गया। अरे ये क्या, अरे ये टाइटन तो खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अरे बाहर तो निकल जाऊंगा पर इसके हार्ट के लिए एक और एग लेने कहां से आऊंगा? किसने मेरी नींद तोड़ी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे गाइसर ये तोड़ गया और इसके कंधे के वहां पे मैं चल रहा हूं आराम से इसका एग लेके। गाइसर मुझे जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा, जल्दी। एक काम करता हूं यहां से सीधा डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूं क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो फटाफट से यहां से चलते, चुपचाप धीरे-धीरे चलते हैं भाई, मैं गिर के मर नहीं जाऊं, आराम से चलते। और गाइसर ये मैं कूद चुका हूं, बचाओ मेरे को, फटाफट से नीचे चलते हैं। मेरे पास पैराशूट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फटाफट से जाके मैं यहाँ पे पैराशूट खोल लूंगा। और ये मैं पहुंच गया और ये मैंने पैराशूट खोल लिया और ये पैराशूट, अरे ये क्या हो गया, पैराशूट तो टूट गया। अरे गाइस खड़े होने के बाद तो ये और ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब मैं इसके हार्ट की तरफ कैसे जाऊंगा? मुझे इसके दिल तक पहुंचना पड़ेगा, पर कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको मेरे पास एक आइडिया है गाइस, मैंने लगा लिया यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियां, इनके ऊपर चढ़ के मैं इसके हार्ट के पास पहुंच जाऊंगा। अरे ये सीढ़ियां तो यहीं पे खत्म हो गई, मैं तो इसके पैर के ऊपर भी नहीं जा पाया। अरे यार ये सीढ़ियां तो काम नहीं करने वाली और मैं ऐसे चढ़ भी नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके इसको वापस से लेटाना पड़ेगा या फिर सुलाना पड़ेगा, पर कैसे?
तो गाइस यार मुझे मिल चुका है मेरा आइडिया। मुझे पता चला है कि इस टाइटन को यार बहुत ही जल्दी नींद आती है अगर इसको कोई लोरिया सुनाए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर लगा दिए और मैं सुनाने वाला हूँ इसको मस्त मस्त लोरिया ताकि ये जल्दी से सो जाए। चेक चेक, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था खाली चोर ले गए। अरे मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अरे सो गया, अरे मेरा गला खराब हो गया था। अरे गाइजर मैंने इसको सुला दिया है, चलो फटाफट से इसके ऊपर चलते हैं। तो गाइजर ये पूरा का पूरा सो चुका है और अब आराम से मैं इसके ऊपर भी चढ़ गया हूँ क्योंकि बिल्कुल नीचे आ गया था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ, फटाफट से इसके दिल के यहाँ पे भी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे इसको मुझे निकाल ले अंडा। पर मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे गाइजर अब मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कुछ अंदर जाने जैसा लगा। एक सेकेंड, अरे मैं तो अंदर चला गया। अरे गाइजर मैं अंदर आ चुका हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या चल रहा है? अबे कोई पार्टी वार्टी चल रही है क्या? ये यहाँ पे इतनी घास को उगी हुई है। अरे गाइजर आप देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं कौन सी लाइट लगी हुई है, यहाँ पे घास और ये डस्टबिन भी पड़ा है और ये अंडा भी पड़ा है। मुझे तो अंडे से मतलब है, फटाफट से अंडे को उठाते हैं और यहाँ से अपन फटाफट से निकलते हैं। तो फाइनली मुझे दोनों के दोनों अंडे मिल चुके हैं और मैं जा रहा हूँ हमारे यार पानी वाले टाइटन के पास। चलते हैं। अरे टाइटन अंकल ये लो मैं ले आया आपके एग्स। अरे क्या तू ले आया? मैंने तो सोचा था तू तो जिंदा भी नहीं आ पाएगा वापस, पर तू तो दोनों अंडे ले आया। चलो इस अंडों से मैं बन जाऊंगा थी हेड टाइटन। अरे क्या आप इससे बन भी जाओगे? ये लो आपके अंडे ले लो फटाफट से। तो गाइजर अभी देख सकते हो ये टाइटन तो और भी खतरनाक हो चुका है, इसके तीन तीन सर बन चुके हैं। बेटा दूसरा टास्क करके आओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो गाइजर पहला टास्क हमने कर लिया और सेकंड टास्क है हमारा गेट एक्सपेरिमेंट मशीन फ्रॉम मिलिट्री बेस। तो अभी हमें जाना है मिलिट्री बेस में और वहां से एक्सपेरिमेंट के लिए जो मशीन है वो लानी और इनको देनी है। तो फटाफट से चलते हैं अपन मिलिट्री बेस। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक नॉर्मल सा कार वर्कर बनके और ये इन्होंने गेट भी खोल दिया। अरे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अरे किससे मिलना है तुमको? अरे मिलना नहीं है, वो आपका वो टैंक खराब हो गया ना, वो ठीक करना है। क्या टैंक? हमारे पास तो कोई टैंक ही नहीं है। क्या टैंक नहीं है? वो हेलीकॉप्टर ठीक करना है। हेलीकॉप्टर? अच्छा हेलीकॉप्टर ठीक करना है। हेलीकॉप्टर का नंबर बताओ। मुझे क्या पता, हेलीकॉप्टर तो आपका है ना। अरे निकलो यहाँ से, कोई तुमको अंदर नहीं जाने देगा। अरे ऐसा मत करो, आपके बॉस आपको मारेंगे। अरे निकलते यहाँ से, गोली मारो। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे गाइजर ये तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, मैंने सोचा था इससे यार मैं आराम से घुस जाऊंगा पर ये तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे, चुपचाप चल जाता हूँ अंदर। ए गोली मारो उसको। अरे नहीं नहीं मारना मत, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ आयरन मैन के घर पे और ये करने वाला है मेरी मदद अब यार वो वाला मशीन लाने में, और वो कैसे करेगा वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो फटाफट से आयरन मैन के पास चलते, सामने अपना आयरन मैन खड़ा है। और भाई क्या हाल है? अरे क्या कहा है मैं, जल्दी बोल। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है यार, आराम से बात करते हैं ना। अरे जल्दी बोलता है कि जाऊं मैं। अरे यार सुन सुन, मुझे यार बहुत ही जरूरी काम है, तेरा यार एक सूट दे देना मुझे प्लीज यार, मुझे मिलिट्री बेस से कुछ सामान लाना है, मैं अभी के भी लाके दे दूंगा। अच्छा अभी के भी लाके दे देगा? हाँ लाके दे दूंगा। गाइजर इसका सूट आ गया। अबे निकल यहां से, कभी नहीं लाके दूंगा। तो गाइजर अभी मुझे मिल चुका है आयरन मैन का सूट और थोड़ी देर के लिए उसको मैंने नींद में भेज दिया, मैंने उसको कुछ किया नहीं, उसको थोड़ी देर नींद में भेजा है। तो गाइजर फटाफट चलते हैं मिलिट्री बेस सूट में और लाते हैं वो एक्सपेरिमेंट वाली मशीन। यार क्या क्या करना पड़ा टाइटन के चक्कर में, अपने दोस्त आयरन मैन को मार दिया। तो गाइजर अभी यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ तू मेरे को अंदर नहीं जाने देना, निकल यहाँ से। तो ये सूट है जो पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है, तो मेरे को कोई बुलेट मार नहीं सकता, बस तक यार कोई ऐसे यार मिसाइल विसाइल नहीं फेंक दे, बस जब तक का वेट है। तो गाइजर फटाफट से ढूंढ लेते उस एक्सपेरिमेंट वाली मशीन को। अबे इतना बड़ा मिलिट्री बेस है, कहाँ मिलेगी वो मशीन? अरे मुझे पूरे मिलिट्री बेस में घूम घूम के ढूंढना पड़ेगा वो वाली मशीन को, कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। अरे यार कहाँ पे वो मशीन? अरे तू हट यहाँ से यार, अबे हटना यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे? तो यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी लग रही है, मुझे यहीं पे कहीं पे वो मशीन होनी चाहिए। अबे हट जाओ यार, फालतू में इनको मारना पड़ रहा है। अरे मिल गई मिल गई। अरे ये वही मशीन है, अरे यार वही मशीन है। अबे कहाँ उड़ के चली गई, इधर इधर। तो गाइस यार मुझे मिल चुकी है वो वाली मशीन जो कि टाइटन को चीर, फटाफट से लेके चलते और ये वाली मशीन उसको दे देते। तो हमने मिलिट्री बेस से सक्सेसफुली इस मशीन को चुरा लिया और आयरन मैन का सूट तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी मुझे मार भी नहीं पाया। टाइटन भैया आ गया मैं आपकी यार मशीन लेके। बहुत बढ़िया बेटे, इस मशीन को यहाँ पर रख दे। क्या यहाँ पे रख दूँ? पक्का रख दूँ ना? अरे हाँ रख दे, ये लो आपका काम हो गया। अब तेरे आखिरी टास्क की बारी है। तो देख लेते आखिरी टास्क क्या है। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइजर, ये टास्क तो आपके लिए। गाइजर आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये वाला टास्क भी कम्प्लीट हो जाए। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
बहुत बढ़िया बेटे, तूने मेरे सारे काम कर दिए, अब तुझे तेरा प्राइज मिलने वाला है। वैसे ये सूट कहाँ से लाया? अरे मुझे यार आयरन मैन ने दिया था। क्या तुझे सूट पसंद है? अरे यार सूट तो मुझे बहुत पसंद है। तेरा फेवरेट सुपर हीरो कौन है? स्पाइडर मैन। तो तैयार है क्या तू अपने गिफ्ट के लिए? अरे हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये ले। तो कैसर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो इतना बड़ा स्पाइडर मैन। मैंने उनको बोला था कि मुझे स्पाइडर मैन पसंद है, तो इन्होंने मुझे इतना बड़ा स्पाइडर मैन का सूट और स्पाइडर मैन की कार दे दी। ये कार तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। कैसर फटाफट से कमेंट करके बता दो ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है। और मुझे यार इतना सारा गोल्ड और डायमंड भी मिल चुका है, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा गार्डन यार गोल्ड और डायमंड की वजह से भरा हुआ है। तो कैसर ये गाड़ी है बहुत ही ज्यादा औसम, और आप भी अगर औसम बनना चाहते हो तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।